रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चेरी ब्लॉसम का लेसन है। चेरी ब्लॉसम बेसिकली एक ट्री है जिस जो जापान में ज़्यादातर पाया जाता है, और उसमें बड़े खूबसूरत किस्म बड़े वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स उगते हैं। विंटर का फ्लावर विंटर ट्री है। और आप ये देखें, विंटर के बाद जब जाहिर है जब स्प्रिंग सीज़न आता है, तो विंटर और स्प्रिंग के दरमियान ये फ्लावर जो ट्रीज़ हैं इन फ्लावर से भर जाते हैं। तो आप गूगल करें इसमें कि आपको चेरी ब्लॉसम का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये 5 पेटल्स टू 6 पेटल फ्लावर होता है, पिंक और व्हाइट शेड्स में होता है। आप कोशिश किया करें कि जो फ्लावर आपने बनाना है उसकी नेचुरल पिक्चर ज़रूर दिखा करें। एक ये पिक्चर है इसकी, और ये आप देखें, एक ये है, ये बिल्कुल मतलब कि ओरिजिनल पिक्चर है इसकी, नेचुरल पिक्चर है। कुछ पेंटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इसकी पेंटिंग्स भी ड्रॉ की जाती है। कुछ और पिक्चर आपको दिखा दें, ये इसकी नेचुरल पिक्चर है, लाइक नेचुरल ब्रांच की पिक्चर है। हम अपने प्रोजेक्ट में भी ब्रांच ही बनाएंगे, टू साइड से राइट और लेफ्ट से ब्रांच कोशिश करेंगे बनाएंगे, और उसके बाद उस फ्लावर्स को कैसे सेट किया जाता है आप भी थोड़ी सी सर्च करें गूगल वगैरह पे, चेरी ब्लॉसम लिखें और इसमें ये चेक करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। अच्छा, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपना काम, बेस प्रिपेयर करने लगी हूँ। मैंने थोड़ा सा ग्रे कलर, ये टेक्सचर पेस्ट है वही जो आप यूज़ करें, थोड़ा सा ग्रे और थोड़ा वाइट। अनइवन सी बेस हो तो वो अच्छी लगती है, एक जैसी फ्लैट बेस और बिल्कुल स्मूथ बेस बना नहीं बनाई जाती इस काम में। और शेड्स में काम करें, बेस पे भी शेड्स दें, डार्क टू लाइट या काम करेंगे तो हमेशा अच्छा लगता है। स्ट्रोक्स नज़र आने चाहिए इसके पेस्ट के। कोशिश करें कि सब एरिया कवर हो जाए, आपका जो ब्राउन बेस है वो बिल्कुल हाइड हो जाए। इसमें मैं स्टेंसिल नहीं अभी करूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो कहीं साइड पे ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि स्टेंसिलिंग बाद में भी की जा सकती है बहुत एहतियात से। उस एरिया पे जो आपका आपको थोड़ा हाली हाली लग रहा हो वहां पर आप स्टेंसिलिंग ऐड कर सकते हैं बाद में भी। और लीव्स भी बाद में ऐड किए जा सकते हैं, तो आप बेस लगा लें। बेस मेरी रेडी है। अच्छा, ये मैंने पेस्ट लिया है, और मैं इसको इसमें पाउडर मिक्स कर लेती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस से। पेस्ट का आइडिया तो अब आपको हो चुका होगा। अच्छा, इसमें जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्रेट नहीं होती, वो जिग जैग अनइवन सी होती हैं। और हमेशा जो ब्रांच है उसका असूल ये है कि आपने थिक से थिन की तरफ आना है। जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं जो पीछे होती हैं वो थिक होती हैं, और आगे जाके पतली होना शुरू हो जाती हैं। ब्रांचेस की थिकनेस थिननेस का भी ख्याल रखना है, और इसकी शेप का भी ख्याल रखना है।
वेट पे मैं काम करूँगी ताकि जो ब्रांच है वो मुझे उसको ग्लू ना करना पड़े। वैसे तो जब ब्रांच आप करेंगे तो वो बैठी होगी, इसके ऊपर दबती है तो उसमें ग्लू की उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, इसमें मैं ब्राउन कलर ऐड करूँगी। अगर ब्राउन कलर आपके किट में नहीं है तो उसका बनाने का तरीका ये है कि आप रेड, येलो, ऑरेंज बन जाएगा और इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दें तो आपका ब्राउन कलर आ जाएगा। और मैं इसको टू टोन में कर दूंगी। हमेशा काम कोशिश किया करें कि काम डबल शेड में किया करें। थोड़ा सा इसमें वाइट ऐड करूंगी साइड पे। आप देखें पेस्ट काफी थिन है, अभी मैंने वो बहुत ज्यादा इसमें भी पाउडर नहीं ऐड किया, थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, बहुत थिन भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास लाइट टोन है ब्राउन की और ये डार्क टोन है। मैं सबसे छोटा साइज नाइफ को लूँगी, उसको साथ साथ साफ करते जाएं। और जहाँ ब्रांच बनानी है वहाँ पर आप मार्क कर दें। अभी ये वेट है तो मैं यहाँ पर इजीली मार्क कर सकती हूँ। एक ब्रांच राइट से आएगी और एक लेफ्ट से, बिल्कुल मैंने रैंडमली बनाया, आप बेशक देख लें नेट पे देख लें कि ब्रांचेस कैसे बनानी है आपने। यहाँ से थिक ब्रांच और यहाँ से एक राइट से आ रही है और एक लेफ्ट से आ रही है, ठीक है। अच्छा, ब्रांचेस के लिए सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर काफ़ी ज़्यादा बना लिया, इसको मैं सेव भी कर सकती हूँ किसी बॉक्स में डाल के ना, एयर टाइट बॉक्स में, तो इसको आप रख भी सकते हैं या इसको कोन में डाल लें, लेकिन ये कोन वाली नहीं है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी पेस्ट ली है और इसको मैं उठा के इधर रखूँगी। ये मैं थिक टू थिन जाना है और इसको मैं साथ साथ शेप भी दूंगी। बहुत मोटी मोटी प्लीज़ ब्रांचेस मत बनाइएगा, बारीक बारीक काम करना है। यूँ आप रख के मैं आपको बताती हूँ आपने इसको उठाना कैसे। ये समझिए डार्क कलर, मैं इसको साइड पे कर देती हूँ थोड़ा। नाइफ को साफ करते जाएं, थोड़ी सी पेस्ट लें, यूँ रखें। रखने के बाद नाइफ को साफ करें और यहाँ से ब्रांच उठा, इतना पीस उठा लें पेस्ट का। जब क्लियर कर दो आपके लिए, और जब आप ये ब्रांच बना लें आपस में तो इनको ज्वाइन करते जाए, ठीक है। अब यहाँ से जितनी यहाँ से थिकनेस है इतनी ही थिकनेस आगे होगी। अब यहाँ से मोटी नहीं होगी, आपने ये नहीं करना कि आगे जाके आप इसको मोटा करते जाए। यहाँ पर आप इसको नाइफ को रखें, ये देखें पीछे पेस्ट थी मेरे पास, और दूसरी नाइफ की मदद से इसको प्रेस डाउन करके इसको उठा लें इसी तरह से। अब देखिए आपको कितनी थिक चाहिए, मुझे इतनी सी थिन सी चाहिए, मैं उतनी ही पेस्ट उठाऊंगी और इधर रखती जाऊंगी ग्रेजुअली, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी साइड्स नीट हो, जहाँ पर ब्रांच बनी है उसकी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मैसी काम नहीं करना आपने। अगर साइड पे ब्राउन कलर कहीं लग जाता है, जो लग भी सकता है, तो उसको कोशिश करें कि आप उसको एक तो साफ़ कर लें
और दूसरा ये कि उसको जब वो ड्राई हो तो उस एरिया पे आप ग्रे पेंट कर दें ताकि जो आपका ब्राउन मेसअप हुआ हुआ था वो साफ़ हो जाए। नाइफ को साथ साथ साफ करके काम करना आपने, ठीक है। मैं यहाँ से भी थिक करूँगी, इसकी वजह ये कि आगे जाके काफ़ी थिन हो गई है। थिक टू थिन आपने आना है, ठीक है। पीछे से मैं इसको मोटा कर दूँगी और आगे जाके, अभी मैं सिर्फ रख रही हूँ, अभी मैंने इसको शेप नहीं दिया, आगे जाके आप इसको थिन करते जाएं लाइक दिस। मेरी बेस भी वेट है, मैंने ध्यान से कि नीचे वाली बेस भी ख़राब ना हो, इसको थोड़ा थोड़ा शेप दे दे, ब्रांच की शक्ल में राउंड कर दे और जॉइन कर दे। आप इसी तरीके से बाकी फ्लावर्स की भी ब्रांचेस बना सकते हैं। एक तो तरीका है ना कोनिंग का, कोनिंग में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि कोनिंग में आप थिकनेस थिननेस का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, शेप का फ़र्क आ जाता है। इसमें आप शेप दे सकते हैं, उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये मैंने अभी एक ब्रांच बनाई है, इसी ब्रांच की मैं सब ब्रांचेस बनाऊंगी, ठीक है। अब ये जो ब्रांच है और ये ब्रांच, इनकी मोटाई, इसकी मोटाई उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो मेन ब्रांच से छोटे ब्रांचेस निकलती हैं वो पहले खुद इतनी हैवी होती है कि वो दूसरी ब्रांचेस को निकाल सके ना। तो जो आपकी ये जहाँ से ये ब्रांच निकल रही है, सब ब्रांच निकल रही है, वो आपकी ब्रांच मोटी होनी चाहिए ताकि नेचुरल प्रोसेस है ये कि जहाँ से ब्रांच निकल रही है वो मोटी होगी और सब ब्रांच आगे जाके पतली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मेन ब्रांच ने इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। आगे से पतली होना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रही होगी, नहीं तो आप ड्रॉ कर लेना अगर आपको थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने तो रफली सा ड्रॉ कर लिया था इससे नाइफ से। अब ये देखिए, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच से पतली होगी क्योंकि सब ब्रांच है और मेन ब्रांच इसको सपोर्ट कर रही है, और ये जो जॉइनिंग पॉइंट होता है ये भी थोड़ा सा थिक होता है और उसके बाद ये आगे से पतली ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस इट्सेल्फ एक पूरा आर्ट है, इनको गौर किया करें, चीज़ों को नेचर को देखा करें, आपको आइडिया होगा कि अल्लाह ताला ने कैसे चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, इसके बाद आगे की तरफ जाऊंगी और अच्छा, नाइफ को आपने हर दफा साफ करना है। अगर आप नहीं साफ करेंगे तो आपका जो इर्द गिर्द का एरिया वो मैसअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ब्रांच मेरी मोटी हुई थी तो मैं इस पीछे से भी इस ब्रांच को मोटा कर दूंगी। मेन ब्रांच है हमारी, ये थोड़ी सी थिक ही होगी। गौर से देखिए कि मैं उठा कैसे रही हूँ इनको, जैसे इसको प्रेस करते जाएं और ये शेप आती जाएगी आपको आपके पास इसकी।
जैसे मैं मज़ीद इसको थिक और हैवी कर देती हूँ, जो हमारी मेन ब्रांच है उसको। इसकी रफनेस से आइडिया हो रहा है कि ये इसकी रफनेस ये इसको ओरिजिनल लुक दे रही है। ठीक है, इसको आप राउंड कर दें, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, थोड़ा सा टॉप से इसको दबा दें। इसी तरह से मैं यहाँ की ब्रांच सेम प्रोसीजर से बनाऊंगी। यहाँ से थोड़ी सी मोटी होगी, ठीक है, साथ ही आप इसको शेप भी दे दें और आगे जाके ये एकदम से नहीं, आगे काफ़ी आगे जाके थिन हो जाएगी। अभी भी मोटी चलेगी, यहाँ से ये टू पार्ट्स में चली गई है, ओपन ब्रांच हो गई है और आगे जाके पतली होना शुरू हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी इसकी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी प्रोसीजर से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, हम बनाते नहीं हैं, लाइक बटरफ्लाइज भी बना रहे हैं लोग, बर्ड्स भी बना रहे हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स को अवॉइड करें तो बेहतर है, फ्लावर्स ही सबसे बेस्ट रहते हैं। नीट करने से पहले आप उसको नाइफ को अच्छी तरह से साफ कर लें। वेट क्लॉथ मैंने रखा होता है हर वक्त पास, वाइप रख लें, कुछ रख लें। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको आप साथ ही धो लें और उसको ड्राई होने के लिए रख दें, नहीं तो वाइप्स ले लें डिस्पोजेबल अगर आपको चाहिए। अच्छा, मैं अब आगे जा रही हूँ तो मैं इसको मुझे थिन कर दूँगी। आप इसको आप शेप देना शुरू कर दें, क्योंकि शेप देना बहुत ज़रूरी है, ब्रांच ऐसे ही नहीं छोड़ देनी आपने, उसको नीट करना है, पता चले वो एक पार्ट है, क्योंकि हमने तो बाय पार्ट्स इसको ज्वाइन किया है। आप इसको जब नाइफ से इवन करेंगी तो वो सारी आपस में अटैच भी हो जाएगी और इसकी शेप भी बनना शुरू हो जाएगी, लाइक दिस। इसको आप सील करने, अगर आप चाहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को सील कर लें तो आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं, वैसे मैं करती नहीं। ये देखिए, आपको यहाँ से मैं अब थिन ब्रांचेस पे जा रही हूँ और थिन ब्रांचेस के लिए मैं बहुत थोड़ी थोड़ी पेस्ट लूँगी। ऐसे पेस्ट रखें, ये उसको उठा लें, बिल्कुल वही तरीका उठाने का। अच्छा, टेक्निक्स टिप्स जो टेकिंग ऑफ क्ले है या पेस्ट है वो सेम है, पेटल्स एक ही तरीके से उठाई जाती हैं। अब ये जो तरीके, ये जिस तरह मैं ये ब्रांच उठा रही हूँ, ये आप गौर से देखें तो ये मैंने वही तरीका है जो मैंने आपको बर्ड्स की सेपल्स बनाने का तरीका बताया था, कि बर्ड्स के इर्द गिर्द आपने जो भरी उसके जो लीव्स होते हैं, एक बर्ड को प्रोटेक्टिव लीव्स जिनको सेपल्स कहते हैं, वो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो ये वही मेथड है। आप इसको इसी तरह से अप्लाई करें, ठीक है। अब इनको मैं शेप दे दूंगी, और ब्रांचेस ऐड करनी है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतनी हमारे पास सरफेस नहीं है
ठीक है। अभी हमने फ्लावर भी डालने हैं, बर्ड्स भी डालने हैं, ठीक है। जो इसमें लीव्स तो होते नहीं है, चेरी ब्लॉसम के सिर्फ बर्ड्स और फ्लावर्स ही रह जाते हैं इन द एंड, तो वही हम बनाएंगे। इसको आप नीट कर लें। नीट करने का तरीका यह है कि आप इसको साफ करें नाइफ को, और नाइफ से ये ब्रांचेस को इवन करते जाएं। जो हमारा अनइवन एरिया है या हमारा कहीं रफ एरिया है, वो हमारा फ्लावर से हाइड हो जाएगा। अभी हमने फ्लावर्स बर्ड्स वगैरह बनानी है, तो हम उसे छुपा लेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से आप ये ब्रांचेस बना लें। मज़ीद इसको लंबा करना चाहते हैं, मज़ीद इनमें और ब्रांचेस ऐड करना चाहते हैं, थिन ब्रांचेस, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इसको थोड़ा सा लंबा करूँगी, यहाँ से इसको बाहर की तरफ ले जाऊँगी, और इसको भी मैं कंटिन्यूटी है ना ये, जब आप ब्रांचेस को एक एज से दूसरे एज तक लेकर जा रहे होते हैं, तो पता चल रहा है कि ये भी ब्रांच कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा लंबा कर दूंगी, ये वाली, इसको थोड़ा सा थिक कर दूंगी ताकि थिक टू थिन आए। बीच में यहाँ पर भी आप ब्रांच दे सकते हैं, चाहे तो इसी को ही कॉपी कर लें, नहीं तो आप गूगल इमेज से भी देख सकते हैं। और कोशिश क्या करें कि रियल और फ्रेश फ्लावर्स को देख के आप उनको कलर्स और शेप, जो ओरिजिनल फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना, उनको देख के आप शेप दिया करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये दो ब्रांचेस ओवरलैप हो रही हों, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बैक और फ्रंट पे भी तो आ रही होती है ना ब्रांचेस, तो हम इसको इधर तक लेके जा सकते हैं इसके ऊपर भी। ये हमारा ब्रांच वाला पोर्शन रेडी हो गया। इसको गौर से देख लें, मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ। ये बैक साइड की है, इसका कुछ भी टॉप और बॉटम हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। इस तरह से, और इसको आप दोबारा से इसी के ऊपर ही डालेंगे, लगाएंगे, क्योंकि ये बर्ड बन रही है। ये दूसरा पार्ट इसका, ठीक है। मैं थोड़ा लाइट में जाऊंगी ज़्यादा, और ये तीसरा पार्ट, तीसरी बर्ड। हमेशा इसको उतार लिया करें, उसके बाद इस शेपिंग कर लिया करें। ये थोड़ी बड़ी बर्ड बनी है, छोटी नहीं है। अच्छा, अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये भी आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा पिंक लिया, उसमें मैंने ब्राउन ऐड किया है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। इसको भी मैं बना के साइड पे रख दूंगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे बाल होगा,
ये बड की कवरेज है, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो बड में ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। आप इसको ऐसे एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते हैं। बज़ाहिर तो लग रहा है ये बहुत आसान सा फूल है, लेकिन इसमें डिटेलिंग काफ़ी है। इसमें से आप एक पहले छोटा सा बॉल बनाएं, बॉल बना के यहाँ रखते हैं, ठीक है। यू वो बनेगा, ये जैसे यू शेप होती है ना ये वो। और उसके बाद बिल्कुल जैसे हमने रोज़ की सेपल्स बनाई थी, लेकिन ये छोटे साइज की बनेंगी। एक पहला ये फाइव पेटल्स के इर्द गिर्द फाइव सेपल्स होती हैं, तो ये नंबर टू, और यहाँ पर नंबर थ्री। थिन पार्ट ऊपर चला जाएगा और थिक पार्ट नीचे आ जाएगा, बस ठीक है। तीन ऊपर तीन बनाएंगे हम साइड्स पे, बाकी और बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी नीचे की तरफ चली जाएंगी। ये इस तरह से आपकी एक बर्ड बन गई है, और ये बर्ड नहीं है, ये बड़ा एक बिग बर्ड है। अगर आपको बिल्कुल छोटी सी बर्ड बनानी है तो वो हम इस डार्क कलर में बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये पेटल की जो बर्ड है वो डार्केस्ट होती है, सॉरी इस फ्लावर की जो बर्ड है वो डार्क होती है, और जाते जाते ये लाइट, बिल्कुल लाइट लाइट पिंक में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये इसको बर्ड की शेप दे दूँगी, बिल्कुल पतला सा रहा ऐसे गोल सा रहा, इसको नीचे से इसको राउंड कर लूँगी और ऊपर से इसको थिन ही रखूँगी। और इसके बाद ग्लू लगा ही लेती हूँ इसलिए कि बेस अब ड्राई हो गई हुई है, काफ़ी देर से बनी हुई है। और ये बर्ड ऐसे मैं इसके ऊपर रख दूँगी, इसको यहाँ पे कट दे दूँगी ताकि मेरा ये पीछे वाला पार्ट भी बन जाए। इसको मैं ऐसे स्प्रेड सा कर दूँगी, गोल गोल सा। ये अब आपको खुद ही थोड़ी सी शेप देनी पड़ेगी इसको। दोबारा से देखें, ये मैंने डार्क कलर लिया, इसको नीट किया और ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बर्ड है, इसकी बर्ड इतनी बड़ी नहीं होती है। इसको आराम से उठाया, जैसे ही आप इसको उठाएंगे गोल हो जाती है, ठीक है। और इस एरिया पे मैं इसके साथ ही दूसरी भी लगा दूंगी, थोड़ी सी बड़े साइज की है ये। ये एक पेटल है, फाइन सी पेटल बनानी है आपने, जल्दी 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 काम नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कट किया, इसको डिवाइड किया, आपको करीब करके दिखाती हूँ। और इसको मैंने बैक पार्ट बर्ड का बनाया, ये मेरा पास फ्रंट आ गया। बेसिकली ये पार्ट ये है, जैसे ये सेपल्स है ना, इसने इसको ये जब ओपन होंगी तो ये बन जाएगा, और इसके अंदर से फिर पेटल्स निकलेंगी। बेसिकली ये सेपल्स हैं, इसलिए हमने इसका डार्क कलर दिया है, वही कलर जो हमने यहाँ पर इसको दिया था, ठीक है। यहाँ पर दो बर्ड्स आ गए। इसके बाद इसी के ऊपर मैं इसी शेप की बर्ड बनाऊंगी जो ओवरलैपिंग को शो करेंगी, ठीक है। उसके लिए लाइट कलर लूँगी, कलर को मिक्स कर लें अच्छी तरह से ताकि एक जैसा हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने लाइट कलर लिया, नाइफ को नीट किया, यहाँ से दो स्ट्रोक्स डार्क ले लिए और यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद राइट से लेफ्ट से इसको उठाएं और यहाँ पे छोड़ दें। आप जैसे इसको देखें, इसको जब आप नीचे करें इस तरह उठाएंगी तो आपको डार्क टू लाइट बट चली पेटल चला जाती है ये वाली। इसको मैं यहाँ पे इसके करीब, जो मैं पहले दो छोटी छोटी बर्ड्स बनाई हैं उसके करीब ही इसको रखूँगी, लाइक दिस।
टिप डार्क और बेस लाइट, ठीक है। इसके ऊपर एक और पेटल बनाऊंगी। एरिया को पहले साफ कर लूँ, यहाँ पे सब कुछ ड्राई हो रहा है। तरीके से इसको उठाएंगे तो ये देखिए यहाँ से पतला और यहाँ से मोटा होता है। इसके बाद आप इसको आराम से इसके ऊपर यूँ रख सकते हैं, जैसे ही प्रेस करें। और मैं इसको दो पे ही छोड़ दूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप तीसरा भी बनाएं। अब उसके बाद ये जो डार्क मैंने पिंक लिया था, इसमें मैंने ब्राउन ऐड किया था। बॉल बनाएं और इसको यहाँ पे रखते हैं। इसकी शेप यू शेप होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर, यहाँ से मोटी और यहाँ से पीछे से पतली होनी चाहिए। ये मैंने उसी पिंक में जो मेरे पास ब्राउन कलर बचा हुआ था ना, ब्रांचेस वाला, वही मैंने ऐड किया। देखिए थोड़ा सा पेस्टल कलर सा बन गया पिंक का। इसके बाद मैं यहाँ से, अब मैंने सेपल्स बनानी है बड़े तरीके से। इसको मैं यहाँ से उठाऊँगी, ऊपर से थिन होना चाहिए और नीचे से थिक होना चाहिए, और इसके ऊपर मैं यूँ रख दूँगी। आपके फ्लावर का नीट होना बहुत ज़रूरी है, और वो नीट तभी होती है जब आप बार बार अपनी नाइफ़ को साफ़ रखते हैं। रफ़ नाइफ़ पे तो बहुत कुछ लगा होता है, फिर वही आपकी पेटल्स पे भी चला जाता है। देखिए आपका ये पार्ट नीट होना चाहिए, जब ये पार्ट नीट होगा तो आप जो चीज़ उठाएंगे वो भी नीट उठेगी। ये आपकी बर्ड्स बन गई। अच्छा, ये जो बर्ड का पार्ट है ये मुझे थोड़ा लंबा लग रहा है सेपल्स का, इनको मैं छोटा कर दूंगी। हाफ ऑफ द बर्ड होंगी ये, नहीं तो रोज की बर्ड बन जाएगी। इस तरह से आपकी ये बर्ड्स रेडी हो जाएंगी। अब मैं एक फ्लावर बनाती हूँ और उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करूँगी। फ्लावर में बिल्कुल लाइट कलर में जाऊंगी, लाइक वाइट में चले जाऊंगी, या ऑफ वाइट, या लाइट, बहुत लाइट पिंक में जाऊंगी। इसके लिए मैं वाइट कलर लूंगी, थोड़ा सा पिंक ऐड कर लेंगे। और पेटल्स कैसे बनानी है बस आपने गौर से देखना है। अच्छा, जो बड़ा एरिया ब्रांचेस का फ्लावर उसके ऊपर बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर भी बर्ड आएगी, ये सब कवर हो जाएगा। मैं इस एरिया पे फ्लावर ऐड करना शुरू करूँगी। अच्छा, फ्लावर की दो शेप्स होती हैं, एक तो जिस जो एक साइड एंगल और फ्रंट एंगल, टॉप एंगल, जिस तरह मैंने अभी रोज़ आपको बताया था कि रोज़ का एक साइड एंगल होता है और एक फ्रंट एंगल होता है। अच्छा, मैं साइड से स्टार्ट करूँगी, जो इधर को देख रही है सामने की तरफ। चेरी ब्लॉसम के 5 पेटल्स हैं और थोड़ा शेडेड पेटल है, वाइट, लाइट टू डार्क। मैंने इसलिए लाइट एक साइड पे और डार्क एक साइड पे लिया और यह इसको छोड़ दिया। और इसका जो लीफ है वो बहुत, जो पेटल है वो आगे से थिन और पीछे से गोल होगी।
सही ओपन खूबसूरत सी पेटल बनानी है क्योंकि सिर्फ 5 पेटल्स बनानी है। एक्सक्यूज मी। और ये फ्लावर जो है वो बाहर को देख रहा है, ठीक है ना, ये इधर को उसका मुंह सेंटर मैं डार्क रखूंगी, लाइक सेंटर मैं डार्क पिंक करूंगी और साइड्स को मैं लाइट कर दूंगी। मैंने इस तरह से पेटल इसको उठाई, इसको थोड़ा सा शेप दे दे, सेंटर से मैंने थोड़ा सा प्रेस किया तो ये बीच में एक लाइन आ गई, एक पेटल हो गई। इसके बाद ये वाइट कलर होगी, मज़ीद पिंक के साथ रखूँगी ताकि डार्क टू लाइट में इसको उठा सकूँ। ठीक है, इतना जब ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाए आप इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद इसको साफ सरफेस पे रखें, यहाँ से इसकी पेटल की शेप दें और इसको यूं उठा लें ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही इसको उठाएंगी ये दूसरी साइड पेटल आ गई इसकी, और इसको आराम से उठा के इधर रख दें, थोड़ा सा सेंटर से में प्रेस कर दें। अब मैं बिल्कुल वाइट पेटल बनाऊंगी एक, थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट आ गया, इसको आप यहाँ पे रखें पेटल को शेप दें बोर्ड पे ही, इसको यूँ उठा लें लाइक दिस, ठीक है। अच्छा मैंने बनानी है 1 2 3 3 इधर, ये पेटल ऐसे होगी जैसे ये इनवर्ड आउटवर्ड निकल रही है, ऐसे अंदर से बाहर निकल रही है, और दो पेटल्स अब इसके ऊपर बनेंगी। जब वो दो पेटल्स ऊपर बनेंगी तभी पता चलेगा कि ये साइड पे देख रहा है। पेटल बनाएं, नीट करें, आराम से इसको उठा लें, ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, गोल गोल होनी चाहिए, और बहुत तरीके से इसको इसके ऊपर रखते हैं। अच्छा अभी आप देखें तो आपकी ये पेटल बैठ रही है, इसको अगर आपने उठाना है तो इसको सेंटर में आप थोड़ा सा बढ़ देते दे। बट थोड़ा सा दो रखते, एक तो इसका सेंटर भी बन जाएगा, दूसरा ये पेटल भी हाइट पे हो जाएगी। पेटल उठाएं और इसके ऊपर रखते हैं, सारा फूल एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है आपने, आपको बताया था हर फूल का एक सेंटर पॉइंट होता है, ये आपने वहीं से ही शुरू करना है। ये पेटल नीचे की तरफ गिर गई है इसलिए मैं इसको उठा दूंगी, और उसकी सपोर्ट के लिए मैं नीचे टिश्यू पेपर भी रख सकती हूँ। उसकी वजह यह है कि ये हमारी ऊपर की पेटल्स हैं, इनको हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। छोटा सा बॉल बना ले तो बाद में आपने निकाल देना है, और इसके नीचे इसको सपोर्ट दे दें, ठीक है। ये अब आपको देखें ये लग रहे हैं जैसे ये पेटल आपकी साइड, ये फ्लावर आपको साइड पे देख रहा है। अब मैं एक फ्लावर बनाऊंगी जो इस साइड पे देख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मेन बेसिक फ्लावर जो बड़ा है 5 पेटल फ्लावर है वो बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ तो बता दूंगी, सारा कंप्लीट अगर बनाया तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग वीडियो है। बाहर तो लगता है जैसे बहुत जल्दी बन जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मैं इसका बेसिक जो मेन फ्लावर 5 पेटल का ओपन फ्लावर है वो मैं बनाऊँगी, मैं वाइट यूज़ करूँगी,
पहले आप ये सोच लें कि आपने फ्लावर कहाँ बनाना है, जहाँ भी बनाना है उस जगह पे आप ग्लू लगा दें। देखिए मैंने 5 पेटल ऐसे रख ली और मैं ग्लू लगा दें। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं बनाना, यानी कि आपने इसको फ्लावर से ही भर देना। बस इसका तरीका ये होता है कि बैक इसकी हैवी होती है और फ्रंट लाइट होता है। ये इसकी बैक है जहाँ से ब्रांच शुरू होती है, वो हैवी होती है, यहाँ पर ज़्यादा फ्लावर बना सकते हैं एज ए क्लस्टर, और आगे आपने बस बर्ड से इसको कवर करना है। यहाँ पर मैं एक बनाऊंगी, इसको मैंने राइट लेफ्ट उठाया और इसको मैंने थोड़ा थिक पेटल बनानी है। थिक मीन्स गोल पेटल बनानी है। जब मैंने इसको यहाँ पर रखूँगी तो इसके एक्स्ट्रा पार्ट में रिमूव कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी होती है कि मैं इसको शेप दे सकूँ। ठीक है, इसके बाद इसको आराम से उठाएं पेटल को, बस टूटे नहीं आपके पेटल, और इसको वहाँ रख दें जहाँ आपने इसको लगाना है। बस ये देख लें कि आपका ये जो पार्ट है, इधर 5 पेटल्स मज़ीद आनी है तो उसकी आपने जगह रखनी है। थोड़ी सी सेंटर में लाइन दी है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं इसको लाइन दी, एक हो गई, एक्सटेंडेड हो जाए। आप इसको यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर इसको शेप दे दें। शेप देने का मतलब है कि यहाँ से थिक थिन हो जाए और यहाँ से भी थिन हो जाए, सेंटर जो मेन पार्ट है ना वो थिक हो जाए। ये देखें, ये इसकी शेप होती है। ठीक है, ये आपको हमें हालांकि क्लियर नज़र आ रहा होगा। नंबर 2, तीसरी आ गई, बैलेंस होने चाहिए 5 पेटल्स, 3 और 2 की जगह अब आपने देखनी है कि कहाँ पे आपको चाहिए, वो आपने छोड़नी है। पेटल बहुत लंबी होगी, इसको मैं छोटा करके यहाँ से प्रेस कर सकती हूँ ताकि ये थोड़ी कम हो जाए, पतली हो जाए। अपने हिसाब से जगह को रोटेट कर लिया करें बोर्ड को, ये 4th और ये लास्ट वन। बस अब ये देखने के प्लेसमेंट ऑफ पेटल्स जो है ना इक्वल होनी चाहिए आपकी 5ों पेटल्स की। यहाँ से गैप सर्कल में होना चाहिए और अच्छा, अब आप नोट करें तो ये मेरी पेटल्स बहुत शार्प एज्ड हैं। इसमें आपने एक काम करना है, एंड में आके ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और इनवर्ड प्रेस कर देना ऐसे। ये काम अभी आप पहले नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि वो रखते रखते इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इसको आपने टिप को अंदर की तरफ प्रेस करना है और सेंटर में छोटी सी लाइन दे देनी है। इसमें भी इसको आपने इनवर्ट प्रेस करना है पहले, यानी इसको पहले आपने गोल किया और इसके अंदर एक लाइन दी, लाइन दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। जैसे आपने ये जब प्रेस किया तो जब आप लाइन लगाएंगे, मैं उतार ही देती हूँ, ब्राउन लग गया कलर,
ये जब आप इसको प्रेस करते हैं, जब इसमें लाइन देते हैं, तो आप राइट से भी इसको थोड़ा सा फैला दें और लेफ्ट से भी थोड़ा सा फैला दें, ताकि वो बीच में एक वी वी सी शक्ल बन जाए। इसको प्रेस डाउन करें, सेंटर में लाइन दें, राइट और लेफ्ट पे थोड़ा थोड़ा फैला दें। आप नोट करें तो ये जो चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, शेप कुछ इस तरह ही होती है, बीच में थोड़ी सी लाइन होती है। अच्छा, अब आप इसको सेंटर से इसको स्मूथ कर लें, इनवर्ड आउटवर्ड इसको नीट कर लें फ्लावर्स को। फाइव पेटल्स से दोनों में लाइन लगा दें, ताकि पता चले कि ये पेटल्स अलग अलग हैं। ओके, जब आप इसको नीट कर लें अच्छी तरह से, तो हमने इसके सेंटर जो पोलन्स हैं वो बनाने हैं। पोलन एक बनाने का तरीका है कि आप रेडीमेड जो पोलन्स होते हैं वो रख लें। दूसरा तरीका ये कि इसमें बहुत बारीक पोलन्स हैं, इतने बारीक हैं कि वो नज़र भी नहीं आती है। उसमें तो कि आप बीड्स ऐड कर सकते हैं येलो कलर के बारीक से, या माइक्रो बीड्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है ना, तो उसका तरीका, उसका हल मैं आपको बताती हूँ, वो आपने क्या करना है। पहले आपने येलो कलर लेना है टूथपिक से, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। आपने इसको वन लाइन दो ये आपने टूथपिक से ही काम करना है, ताकि ये बारीक बारीक लाइंस लगे, वरना बहुत मोटी मोटी लाइंस लग जाती हैं। ठीक है, जब आप ये लाइंस लगा लें, इसको साफ कर लें और ब्राउन कलर लें, ब्राउन ले लें, ब्लैक ले लें, कोई ले लें, डार्क कलर लेना है। ये बैक ऑफ द टूथपिक है जो फ्लैट होता ही एरिया, उसमें से आप यहाँ पर डॉट्स लगाना शुरू कर दें, या बारीक वाले से भी लगा लें, क्योंकि ये थोड़े मोटे लग रहे हैं। थोड़ा सा कलर इधर डालें। अब आप गौर से देखें लिड पे, इसके जो ढक्कन होता है ना, ये इसका कलर का बहुत गंदा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, इसके अंदर भी कलर होता है, वो कलर लिया। अब आप ये गौर से देखें मैं कैसे करने लगे, डॉट्स लगाने हैं इसमें। फिर कलर लिया, सेंटर में थोड़े ज़्यादा बना लें, ताकि वो पता चले डार्क टू लाइट आप आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा नहीं बनाने, ये ना भर दें आप, वो डॉट डॉट ही नज़र आए, सिल कलर ही छुप जाए। अच्छा, इसके अंदर भी बना लें। ये मैंने यहाँ पर तो टिश्यू रखा हुआ था ना, मैं वक्ती तौर पर निकालती हूँ, और यहाँ पर भी थोड़े विजिबल होते हैं। वो ज़्यादा नहीं बनाने, इस तरह से आपका फ्लावर बन जाएगा। अच्छा, आप ये जो ब्राउन कलर आपने बनाया था ना क्ले का, उसका एक छोटा सा डॉट बना के भी सेंटर में रख सकते हैं, लाइक दिस। ये मैंने रख दिया, नज़र नहीं आपको शायद आ रहा हो, लेकिन आपको करीब करके बताते हैं। ये डॉट है, इसको मैं यूँ अंदर से प्रेस कर दूँगी, सिंपल। सेंटर मेरा डार्क हो जाए। इसी तरह से आप बाकी के फ्लावर्स भी बना लें। अपने सामने ओरिजिनल पिक्चर रखें, जो रियल फ्लावर की पिक्चर है वो रख लें, और उससे ये होगा कि आपका जो फ्लावर है वो ज़्यादा ओरिजिनल बनेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक और फ्लावर इसी यही शेप छोटे साइज़ में भी बना के दिखाती हूँ, उससे होगा कि आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस मज़ीद आपकी, आपको देखने में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है।
उसके लिए ये तो पूरा फैला हुआ फ्लावर है ना, मैं थोड़ा सा कप शेप्ड फ्लावर बनाऊंगी और वो मैं बनाऊंगी लाइट पिंक से। उससे ये होगा कि मैंने थोड़ा छोटा फ्लावर बनाना है और छोटे फ्लावर के लिए मेरे पास थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर लाइट पिंक कलर लिया, मैं इसमें थोड़ा सा वाइट ऐड किया ताकि मज़ीद लाइट हो जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद मिनी बर्ड्स और मिनी फ्लावर, ये थोड़े से बड़े फ्लावर्स हैं तो इसलिए ये आपको लग रहे हैं कि ये इससे छोटे जो अगर थोड़े से दूर के फ्लावर्स आपने दिखाने हैं तो उसके लिए मिनी बर्ड बनाने के लिए एक आप बॉल बनाएं और अब इसकी अगर आप देखें चेरी ब्लॉसम तो उसमें शेप्स भी बहुत हैं इसकी, और क्योंकि ये ट्री है और इसकी साइजिंग भी बहुत है। साइज़ का मतलब है जो दूर वाले होंगे वो छोटे होंगे और जो करीब वाले होंगे वो बड़े होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद ये आपने ये कलर लिया, ये वाला जो थोड़ा सा डार्क था, और इसके साथ आपने इसको मैं बारीक से ब्रांच बनाऊंगी। मैंने इसी को ही रोल कर लिया, रोल करने के बाद ये मैंने ब्रांच इधर चुनके लगानी है तो ये जो रोल्ड मेरे पास पेस्ट थी, ये देखिए आपको शायद नज़र आ रही है कि नहीं, ये मैं यहाँ पर लगा दूँगी ऐसे। और एक्स्ट्रा को मैं कट कर लूँगी, और इसके बाद जो मैंने इसको वो देनी है नीचे से 5 पेटल्स देनी है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। इसी रोल्ड को जो रोल्ड मैंने किया था ना ब्रांच, सॉरी जो स्टेम बनाई थी इसकी बारीक सरी, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब ये काम इतना डिटेलिंग का है कि आप को ये टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा सा आपको स्टेमिना भी इसको चाहिए होगा, लाइक अपने बर्दाश्त ज़ाहिर होनी चाहिए इसके लिए। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्टेमिना आपको ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आप नहीं इतने छोटे बर्ड्स बनाना चाहते हैं तो बेशक आप ना बनाएं। ये मैं एक्स्ट्रा कट कर लूँगी यहाँ से, बड़े बर्ड्स भी काफ़ी होते हैं। ठीक है, मैंने 3 यहाँ पे ऐड कर लिए। इसके फ्रंट पे आ जाएं, बट के फ्रंट पे आप यहाँ पर एक लाइन दें और एक यहाँ पे लाइन दें, पता चले कि ये पेटल्स हैं।
ये देखें, गौर से देखें तो आपको ये नज़र आ रही होगी, ये राउंड सी बड बन गई है इसके, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ब्रांचेज में काम होगा, ये ब्रांचेस आप पहले भी बना सकते हैं, लाइक आप इसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक मैं बारीक सी ब्रांच बनाऊँ तो यहाँ पर हल्की सी आप ग्लू लगा दें और थोड़ी सी डो लें, उसको अपने हाथ पे रोल करें, ये स्टिकी नहीं होती है, इसको जितना मर्ज़ी आप बारीक कर लें, और यहाँ इसको ऐड कर लें, ठीक है। इधर हमारी बर्ड आ जाएगी, बर्ड बनाने के लिए पहले छोटा सा बॉल बनाएं। अच्छा, एक और तरीका ये है कि ये जो आपका डार्क कलर है ना, आपको बताती हूँ, सेपल्स वाला कलर जो सबका आपका डार्केस्ट कलर है, इसको आप बनाएं। ये बॉल बनाएं, बॉल बना के इसको फ्लैट कर लें, फ्लैट करके इस एरिया पे आप इसको स्टिक कर दें, लाइक दिस। उसके ऊपर ये बॉल रखते हैं अपना, मुझे थोड़ा सा शेड भी आ रहा होगा उसका डार्क का, और इसके बाद इसको आप कट्स लगा लें, ये लगेगा जैसे फूल ऊपर की, ये बट ऊपर को देख रही है। अब इतनी डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन का फ्लावर लग गया, ये आपको आस्ता आस्ता थोड़ी समझ आएगी। ये देखिए, ये वाला बर्ड देख रहा है, लगता है जैसे ये आपको देख रहा है, ये साइड पे देख रहा है, ये टॉप पे देख रहा है। अब इसी तरह से मैं एक छोटा 5 पेटल फ्लावर आपको बताती हूँ, जो भी ऊपर देख रहा होगा वो लाइट पिंक कलर से बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर 5 पेटल्स स्मॉल फ्लावर बनाऊंगी। उसका तरीका ये है कि अब मैंने लाइट पिंक कलर लिया, जैसे हमने हाइड्रेंजिया बनाया था उससे हम स्मॉल पेटल्स बना सकते हैं। मैंने बड़ी नाइफ ली है, पेस्ट ली, और यहाँ पर इसको मैंने डाउन कर दिया। अब ये देखें कितनी बड़ी साइज़ की पेटल बनेगी, बनेगी राउंड लेकिन चेक द साइज़, और ये इनवर्ट बनेगी, इनवर्ट का मतलब ये कि उठी भी बनेगी। अच्छा, इसको इससे पहले आपको मैंने बताया था कि इसके सेंटर में कट होता है, वो हम कट भी बीच में दे देंगे साथ ही, और इस पेटल को बहुत आराम से यहाँ पे रख देंगे। नीट पेटल बनाइएगा इस तरह से, जब आप इसको उठाएंगे या बस राउंड पेटल आ जाएगी, आप इसके सेंटर में यहाँ पे कट दे दें, और साइड पे दूसरी पेटल रख दें। यहाँ पे मैं ग्लू लगा देती हूँ, दिस। उसके बाद थर्ड पेटल कट, ये थोड़ी इजी, कंपैरेटिवली इजी पेटल बनेगी फ्लैट वाली से, और यहाँ पर मैं थर्ड पेटल रख दूंगी, सेंटर इसका साथ साथ नीट करते जाएं। यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, डबल शीट पेटल है, तब बनती है जब एट अ टाइम आप दो कलर्स को साथ उठाते हैं।
आपके एजेस बहुत हाथों पे जो ओवरलैपिंग पेटल्स हैं वो बहुत नीट होने चाहिए, ये वाला एरिया हाथों पे। यहाँ पर मेरे पास फिफ्थ पेटल की जगह नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर पहले जगह बना लेती हूँ। ठीक है, अब लास्ट पेटल जो है वो मैं लाइट ही बनानी है, लेकिन मेरे पास अब कलर ख़त्म हो गए, फिलहाल मैं वाइट ऐड करके इसको लाइट कर लूँगी। पेटल आपको चाहिए उतनी उठा लें, ऊपर टिप पे कट लगाएं। इस पेटल को नीट करना है आपको अच्छी तरह से, और इसको उठा के यहाँ पे डाल दें, जिससे कि आप हाइटेड खड़ी भी पेटल बना लें, वैसे भी हो सकता है। सबके बाद येलो कलर लें और थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी। डार्क अगर आपके पास नहीं है तो आप येलो में थोड़ा रेड डालें तो वो डार्क हो जाता है, एक ऑरेंज हो जाएगा। इसमें आप फाइव लाइंस लगा दें, इसके सेंटर में स्टार बना होता है। और फिर ब्राउन कलर लें और डॉट्स लगाना शुरू कर दें। ये कप शेप्ड हाइटेड इनवर्ट फ्लावर बनेगा, सेंटर में ज़्यादा डॉट्स लगा लें और दूर आते हुए कम और छोटे डॉट्स। इस तरह से, और इसके बाद एक बॉल ब्राउन क्ले का इसको सेंटर में रखते हैं, बॉल को इसको दबा दें। इस तरह से आपकी ये चेरी ब्लॉसम्स के फ्लावर बनते जाएंगे। ये मैंने आपको बर्ड्स साइड फ्लावर, फ्रंट ओपन और हाफ क्लोज्ड फ्लावर भी बता दिया आपको, हर तरह की शीट टेक्निक्स आपको मैंने इसमें बता दी है। यहाँ पर मैं थोड़े से फ्लावर्स ऐड करूँगी, यहाँ पर बर्ड्स ऐड करूँगी और इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ नहीं ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर साइड फ्लावर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर बर्ड्स होंगी। इसकी कम्प्लीट पिक्चर मैं आपको जब तैयार होगी, प्रोसीजर वही है, टेक्निक वही है, और फ्लावर्स ऐड करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल पिक्चर दिखाती हूँ।